26 और 13 पर बोलने का मौका दिया, आपका धन्यवाद। मैं, समय कम है, शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद से करूंगा। इस बजट में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर आम जनता की स्वास्थ्य की चिंताओं को रखते हुए एक बेहतरीन और क्रांतिकारी निर्णय इसमें स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति लिए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अपने आप में एक बहुत ही क्रांतिकारी योजना है, जिसको 5 लाख से 10 लाख बढ़ा दिया और इसके अलावा जिला कलेक्टर्स को भी निर्देशित कर दिया गया है कि इस योजना में कोई रजिस्टर्ड नहीं है तो भी उनका इलाज करवाया जाए। साथ ही दुर्घटना होने पर 5 लाख रुपये का क्लेम भी इसमें निर्धारित किया गया है। मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा, जिनका ध्येय आम गरीब जनता को स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बिल्कुल निश्चिंत रहने के लिए ये कदम उठाया गया है। और 5-10 लाख रुपए की राशि अपने आप में एक इतनी बड़ी राशि है कि एक गरीब आदमी का इलाज अच्छे से अच्छे अस्पताल में हो सकता है। इसी के साथ में समय अभाव है और मैं मेरी विधानसभा की तरफ ही जाऊँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात को कहना है मुझे, 3 साल में किशनगढ़ विधानसभा स्वास्थ्य के की किसी भी कोई भी सुविधा मेरी विधानसभा के लोगों को नहीं मिली है। मेरी विधानसभा को उपेक्षित रखा गया, कोई CSC PSC कोई सब सेंटर किसी भी तरह की कोई सुविधा मुझे नहीं मिली गई। मैं इस मांग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का और माननीय चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरी किशनगढ़ विधानसभा को एक भी सब सेंटर PSC या CSC कोई भी नहीं मिली है। इसलिए मैं अभी नाम बताऊँगा क्रमवार, जैसे भी मैं क्रम तय कर रहा हूँ, मुझे 3 या 4 CSC PSC दी जाए, जिससे मेरे लोगों को भी एहसास हो कि मैं सरकार का पार्ट एंड पार्सल हूँ और मैं सरकार के साथ खड़ा हूँ। मेरा अस्पताल पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जिला अस्पताल कर दिया था, किशनगढ़ के यज्ञनारायण अस्पताल को, लेकिन अभी तक भी उसको यज्ञनारायण अस्पताल को जिला अस्पताल का दर्जा नहीं मिला है। उसको एहसास नहीं हो रहा है उस अस्पताल को कि मैं जिला अस्पताल बन गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे उस अस्पताल को एहसास कराया जाए कि वो जिला अस्पताल बन गया, उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मानव संसाधन के साथ साथ संसाधनों की भी भारी कमी है, उस कमी को दूर किया जाए, जिससे अस्पताल और वहाँ के लोगों को लगे किशनगढ़ एक मार्बल नगरी है, औद्योगिक नगरी है, विश्व की सबसे बड़ा मार्बल का उद्योग है और 2-2 टेक्सटाइल पार्क है, लाखों लोग वहाँ रोज आते हैं और बहुत बड़ी जनसंख्या है, 3.5-4 लाख की जनसंख्या का शहर है, लेकिन वहाँ पर अस्पताल में सुविधाओं के अभाव की वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है, अजमेर और जयपुर और दिल्ली के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस बजट में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरक बजट पेश करें तो किशनगढ़ पर विशेष कृपा दृष्टि रखें और जो 3 साल में मुझे नहीं मिल पाया है वो किशनगढ़ को मिले। मैं चाहूँगा किशनगढ़ अस्पताल YN अस्पताल को MCH की सुविधा मिले, वहाँ पे 7,000 से 8,000 की करीबन एक साल में महिलाओं के ऑपरेशन होते हैं और बच्चे भी 700-800 बच्चे एडमिट रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि MCH की विंग अलग से वहां बने, जिससे अस्पताल की OPD की भीड़ कम हो और MCH की वजह से वहां की महिलाओं को, 210 गांव हैं, 42 पंचायतें हैं, आसपास का सारा उपखंड, 2 उपखंड है मेरे पास, दोनों उपखंड के लोग ग्रामीण जन वहाँ आते हैं YN अस्पताल में, लेकिन पूरी सुविधाओं के अभाव में अस्पताल में बहुत सारी दिक्कतें हैं और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ NH 8 पर बांदर सिंदरी एक गांव बसा हुआ है जहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लाखों बच्चे पूरे देश के बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, हजारों बच्चे, बहुत सारे लेक्चरर्स हैं, बहुत सारे प्राचार्य व्याख्याता सभी आते हैं। कई दुर्घटनाएँ वहाँ हुई है, उस हाईवे पे इतनी दुर्घटनाएं हुई है जिनका इलाज समय पे नहीं मिलने की वजह से वो काल कल्पित हो गए। मैं चाहता हूं कि बांद्रा सिंदरी को CSC में क्रमोन्नत किया जाए ताकि वहां पे एक्सीडेंट दुर्घटना होने पर वहां लोगों को त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सके और किसी की जान को बचाया जा सके। मेरा अराई उपखंड का अस्पताल पूरी तरह से जर्जर हो रखा है, CSC है, वो उपखंड कार्यालय है, उपखंड स्तरीय कार्यालय है, लेकिन वहाँ का अस्पताल जर्जर हो रखा है। PW ने कंडम की रिपोर्ट कर रखी है, बावजूद इसके वो बिल्डिंग पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण है। मैं चाहता हूं कि इस बजट में उसके लिए घोषणा की जाए कि उस बिल्डिंग को नहीं बनाया जाए। माननीय सदस्यगण इससे प्लीज लोगों को, माननीय सदस्य उनको दिक्कत आ रही है बोलने में, सुनिए, लोगों को चिकित्सा सहायता मिल सके। मेरे चिकित्सालय इग्नान चिकित्सालय में मैंने माननीय पेडनेकर साहब को भी एक लिस्ट दी थी, बहुत सारी मशीनें, बहुत सारे संसाधन मैंने विधायक कोष से भी दिए हैं,
2 करोड़ रुपए के आसपास मैंने एम्बुलेंस और बहुत सारे संसाधन मैंने YN अस्पताल और आसपास की डिस्पेंसरियों को मेरे दिए मैंने, लेकिन मैं चाहता हूं सरकार से कि कुछ मशीनें जो आवश्यक है वहाँ उनकी उनको उपलब्ध कराया जाए। जैसे सर्जरी विभाग में पूरा लेप्रोस्कोपी सर्जरी सिस्टम चाहिए, ब्लड बैंक में एक एफरेसिस मशीन जिससे ब्लड सेपरेटर और प्लाज्मा की जो समस्या है वो समाप्त हो सके, ब्लड बैंक में कंपोनेंट मशीन, ENT विभाग में एंडोस्कोपी कैमरा सिस्टम, अस्थि रोग विभाग में CRM मशीन, टीबी एंड चेस्ट विभाग में बक्रोस्कोपी मशीन, दंत रोग विभाग में OPG एक्सरे मशीन। ये अति आवश्यक मशीनें हैं जिनकी आवश्यकता मेरे YN अस्पताल को, जिला अस्पताल को है। मैं आज इस बजट इस मांग के माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा और विभाग के अधिकारियों का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि इस पर ध्यान आकर्षित करें और मेरे YN अस्पताल को ये जो मैंने मशीनें मांग की है, बहुत सारे संसाधन मैंने उपलब्ध कराए हैं, मैंने अपने निजी फंड से कराए हैं, MLA लेट से कराए हैं और मेरे मित्र भामाशाह लोग हैं बहुत सारे, उनसे मैं बिल्डिंग भी रिनोवेट करा रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे काम मैं अस्पताल में करा रहा हूँ जिससे अस्पताल को एक नया रूप मिले। जी 2 मिनट में कंक्लूड करता हूँ सर, मेरी बात को खत्म करें। हाँ जी, इसी के साथ मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, अस्पतालों में स्टाफ की कमी है, हमारे YN अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, जितने भी CSC PSC वहाँ पे डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है, मैं चाहूँगा डॉक्टर्स की वहाँ हर जगह डॉक्टर मिले। और एक निवेदन भी करना चाहूँगा, माननीय गालेरा साहब बैठे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि PG करने वाले डॉक्टर्स जितने भी हैं उनको कम से कम 10 से 15 डॉक्टर्स को जिला अस्पतालों में लगाया जाए ताकि 2-2 महीने के लिए अगर वो आएंगे तो अस्पताल में कमियाँ पूरी होगी, डॉक्टर्स की कमियाँ पूरी होगी, उनका अनुभव बढ़ेगा और जो मानव संसाधन की कमी है वो पूरी होगी। और शायद ये सिस्टम भी है ऐसा कि हर 2 महीने या 3 महीने के लिए आप जो PG कर रहे हैं उन डॉक्टर्स को आप जिला अस्पताल में लगा सकते हैं, तो ये उनको लगाया जाए ताकि उनका अनुभव बढ़े। इसी के साथ मैं मेरी कुछ PSC CSC, एक मिनट सर, कुछ PSC CSC है, मैं उसके लिए निवेदन करूँगा कि मेरा उप स्वास्थ्य केंद्र डसूक, आकोड़िया, टिकावड़ा, खंडाच, छोटा लंबा, बरना, भोगादीत और डबरेला को उप स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाए और बांदर सिंदरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। इसी के साथ बामोला, सिरोंज, कालानाडा, काकलवाड़ा और मनोहरपुरा में नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाए, ये जरूरी है। पंचायत हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूँगा मेरी मांगों पर विचार करें और मेरी किशनगढ़ विधानसभा को जो 3 साल से अभी तक उपेक्षित रही है उसको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं के साथ लवरेज करें और मेरे लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति बलबीर सिंह जागरूक करने का मौका दे। धन्यवाद। आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या